नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए RDA चार्ट लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपके TGT के एग्ज़ाम हुए थे, लगभग मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए थे उसमें से 30 क्वेश्चन लगभग आपके उसमें से जो मैंने पढ़ाया टॉपिक उसमें से आए हैं। देखिए, आपके जैसे होम मैनेजमेंट में जितने चैप्टर मैंने पढ़ाया है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। आप जो लोग कहते हो कि अनसॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, देखिए उसमें से कोई क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो उसमें से उस तरह से क्वेश्चन नहीं आते। आपको डिटेल पता होगा वो चीज़ें, तो आप अपने आप उस चीज़ को आप हल कर ले जाओगे। तो मैंने क्वेश्चन को देखा, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन आपके उसमें से आए हुए हैं। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आप क्वेश्चन उसमें से हल करते रहेंगे, यानी आप हल कर पाएंगे। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक है, आपके अनुसार बताया गया टॉपिक RDA चार्ट, इसको बोलते हैं रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस। दोस्तों, RDA किस लिए है? RDA जो होता है कि हमें कितना न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, कितने पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है पर डे, कितने ग्राम आवश्यकता है, कितने एज के अनुसार और सेक्स के अनुसार, और उसके बाद आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट के अनुसार, ये सारी चीज़ें के अनुसार जो है इस जो RDA होता है उसमें निर्धारित दी जाती है, कितनी मात्रा में ये लेना चाहिए, इतने मात्रा में ये लेना चाहिए। तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने लिया है RDA। सबसे पहला क्वेश्चन आता है RDA का फुल फॉर्म क्या है। तो RDA का होता है रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस। क्या होता है? रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस। और इसमें आपका है ये किस लिए RDA चार्ट के अनुसार भोजन को लेना चाहिए। हेल्दी और एक्टिव होने के लिए, हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए, और एक्टिव का मतलब सक्रिय रहने के लिए हमें मतलब RDA चार्ट के अनुसार लेना चाहिए। और ये जो होता है कितना लेना चाहिए, अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, वेट और फिजियोलॉजिकल स्टेट। देखिए, फिजियोलॉजिकल स्टेट दो होती हैं, एक आपकी प्रेग्नेंट होता है, दूसरा लैक्टेटिंग होता है, इसी को ही फिजियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। अब देखिए, जो RDA होता है, RDA का मतलब क्या होता है? RDA मतलब होता है रिक्वायरमेंट, यानी कितनी आवश्यकता है, प्लस सेफ्टी मार्जिन इक्वल टू RDA। अब सेफ्टी मार्जिन का मतलब ओवर एंड एबव सेफ्टी हो, यानी कितना मतलब आगे ओवर एंड एबव सेफ्टी फैक्टर को ही सेफ्टी मार्जिन कहते हैं। तो ये हो गया आपका RDA का मतलब क्या होता है। ये दोस्तों, ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंगली जो है, ये मतलब कि जो चार्ट है ये मैंने लिया है। इसे मैंने कुछ ही केवल आपको लिया है, एक मेन वुमेन और फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग स्टेट, इसी दोनों स्टेट को लिया। अभी ये पूरा भी नहीं है और ये मेरा पार्ट फर्स्ट है, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसी के अनुसार मैं आपको बताते भी चलूँगी। इसमें देखिए, हमें लिया है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है आपकी? ये मेन की कैटेगरी है, और इसमें जो ग्रुप है ये आपका तीन ग्रुप है, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। सेडेंटरी का मतलब हल्के काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और भारी काम करने वाले। तो इनको एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो 2320 किलो कैलोरी पर डे, उसके बाद 2730 और 3490। 2320, 2730 और 3490, ये आपके अकॉर्डिंग टू एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है मेन की। और जो ओमेन होती हैं, इन ओमेन को जो आवश्यकता पड़ती है, इनका बॉडी वेट 55 kg होता है, जबकि पुरुषों का 60 kg होता है, यानी जिसका इतना वेट हो। और एडल्ट की अवस्था का है ये, एडल्टहुड जिसको कहते हैं। अब इसमें जो होता है एनर्जी की आवश्यकता, पहला सेडेंटरी का मतलब कम काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और भारी काम करने वाले। तो देखिए, इसमें 1900, 2230 और 2825, 1900, 2230 और 2850, ये हो गए महिला का। अब आता है जो फिजियोलॉजिकल स्टेट, मैंने कहा तो आपकी प्रेग्नेंट और क्या था, लैक्टेटिंग, मतलब प्रेग्नेंट का मतलब जो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ मतलब जिसका बच्चा होता है,
जो लैक्टेटिंग का मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध माँ पिलाती है उसको लैक्टेटिंग पीरियड बोलते हैं, तो वो होती है, दोनों स्टेट होती है फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है और ही बढ़ जाती है। देखिए इसमें हमने लिखा है प्लस 350, प्लस 600 और प्लस 520। अब इसको आपको ऐड करना है, कहाँ पर इसको ऐड करना है ये क्वेश्चन आता है अक्सर, जो नेट का एग्जाम जो था इसमें आता है, इसमें जोड़ने के लिए था। कभी कभी क्या होता है जोड़ के बताने के लिए कह देता है कितने हो, प्रेग्नेंट लेडी का होता है तो कितना होगा वो, तो आपको जो जोड़ना है वो आपको मिड वाले में जोड़ना है, कितने में, मध्यम काम करने वाले में ही आपको जोड़ना है। जैसे आपका मध्यम काम करने वाले का है 2230, अब आपको जोड़ना है प्रेग्नेंट लेडी का प्लस 350, प्लस 350, इसमें क्या होगा 5 3 8 3 2 5 2, यानी प्रेग्नेंट लेडी को कितने एनर्जी की आवश्यकता है 2580 किलो कैलोरी पर डे। तो ये हो गए, आप निकाल सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कितनी जरूरत है। उसी तरह आपको लैक्टेटिंग मदर के लिखना है प्लस 600, तो यहीं पर आप क्या जोड़ दोगे यहाँ पे प्लस 600 जो आए क्वेश्चन ये आपको दे, उसके बाद प्लस 520, यानी इसी 2230 में ही आपको जोड़ करके लिखना रहेगा। तो यदि आप और भी सरल होगा इस तरह आप लिख लीजिए कि इसको जोड़ने के बाद इतना आता है तो रटने में भी आसानी होगी, लेकिन अगर इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि कितने का कितना प्लस होना चाहिए तो प्लस 350, प्लस 600, प्लस 520, तो ये हो गए आपके एनर्जी के। अब आता है प्रोटीन। दोस्तों ऐसे प्रोटीन जो आवश्यकता होती है वो जितनी बॉडी वेट होती है उतने ही ग्राम हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर 60 ग्राम पर डे पुरुषों के लिए है, 55 ग्राम महिलाओं के लिए है, कितना है 55 ग्राम महिलाओं के लिए। अब देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी है यहाँ पर प्लस नहीं किया गया है, यहाँ पे आपको डाइट करना है तो आपको डाइट लेना 78 ग्राम, 74 ग्राम और 68 ग्राम, 78 ग्राम, 74 ग्राम और 68 ग्राम, तो ये हो गया आपके प्रोटीन, तो रटना नहीं कुछ खास। अब देखिए आपका विजिबल फैट यानी फैट की आवश्यकता कितना पड़ती है, तो फैट आपका है 25 30 40, कितना है 25 30 40, उसके बाद महिलाओं का है 20 25 30, कितना यूनिट क्या है ग्राम पर डे, यानी 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम पर डे अकॉर्डिंग टू सेडेंटरी मॉडरेट और हैवी के अनुसार, तो आपका ये चीजें हो गई। अब आता है देखिए प्रेग्नेंट लेडी का, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में कुछ नहीं रटना है विजिबल फैट में, कितना इसमें केवल 30 ग्राम पर डे है। अब ये चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब आते हैं हम कैल्शियम पे, कैल्शियम की आवश्यकता प्रेग्नेंट लेडी में सबसे ज्यादा पड़ता है और लैक्टेटिंग में, क्योंकि वहां पर हड्डियों के निर्माण के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आता है आपका इसमें 600 है मिलीग्राम पर डे पुरुषों के लिए, यानी देखिए 600 है तो तीनों के लिए 600 है, उसमें कुछ नहीं 600 है तो सेडेंटरेट मॉडरेट और हैवी तीनों के लिए है 600 मिलीग्राम पर डे, 600 मिलीग्राम पर डे महिलाओं के लिए भी, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए 1200 यानी उसका दूना 1200 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग मदर में भी 1200 मिलीग्राम पर डे। देखिए यहाँ पर एक मैंने लिखा 0 से 6 मंथ, 6 से 12 मंथ, यानी जो बच्चा पैदा होता है 0 से 6 महीने तक कितनी हो सकता है और 6 से 12 महीने तक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ये वो बच्चे का वो यहाँ पर दिखाता है कि कितने महीने का बच्चा है 0 से 6, 6 से 12। अब देखते हैं हमारा आयरन, आयरन भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कितने ग्राम पर डे चाहिए महिलाओं को, अब तो आपका देखिए आयरन की आवश्यकता केवल पुरुषों में केवल 17 मिलीग्राम पर डे और महिलाओं को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ पर देखिए 21 मिलीग्राम पर डे, उसके बाद आपका 35 मिलीग्राम प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि आयरन की गोलियाँ दी जाती है 3 महीने, उस समय भ्रूण का पूरी तरीके से निर्माण होता है बच्चे का, तो उसमें क्या है 35 मिलीग्राम पर डे, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ही केवल 21 मिलीग्राम, यानी सबसे ज़्यादा जरूरत किसमें पड़ती है प्रेग्नेंट में, यानी 35 मिलीग्राम पर डे। अब देखते हैं जिंक, जिंक में भी आपको नहीं रटना है ज़्यादा, 12 ग्राम 10 ग्राम उसके बाद 12 ग्राम, यानी मेन में 12 महिलाओं में 10 और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी 12 ग्राम पर डे जरूरत पड़ती है। अब आते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका है 340 माइक्रोग्राम पर डे, यूनिट क्या है इसकी माइक्रोग्राम, 340 माइक्रोग्राम पर डे, और जब महिलाओं में 310 माइक्रोग्राम, महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको 30 माइक्रोग्राम पर डे, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको 45 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गए,
अब आता है हमारा रेटिनॉल और कैरोटीन। ये विटामिन ए के आपके हैं, रेटिनॉल भी और कैरोटीन, इनका दोनों का अलग अलग निर्धारण दिया गया है कि कितनी इसकी जरूरत पड़ती है। तो पुरुषों के लिए 600 है, महिलाओं के लिए भी 600, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 800, लैक्टेटिंग लेडी के लिए 900। तो 600 600, उसके बाद आपका 800 और 900 आता है। तो इसमें मेरे को कुछ नहीं रटना है। देखिए, जब दोनों स्टेज के पढ़ लोगे, मेन वोमेन और प्रेग्नेंट, उसके बाद और चीज़ें आसान हो जाएंगी। मोस्टली जो क्वेश्चन उठते हैं इसी ही दोनों में आपके उठते हैं। अब देखते हैं आपके जो कैरोटीन है ये 48, देखिए इसको और भी आसान कर दें कि 6 8 48 6 8 48, 8 2 64, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा याद करने के लिए। यानी 4800 माइक्रोग्राम पढ़े 6400 माइक्रोग्राम पढ़े और 9 8 72, देखिए सबसे डिफरेंट है, डिफरेंट होगा जाहिर सी बात है लैक्टेटिन का होता, तो 7600 माइक्रोग्राम पढ़े। अब आता है हमारा थायमिन, तो ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से उठते हैं थायमिन से, नेट में तो क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो आपका ये जो है इसको ऐसे याद कर लीजिए, ये पहली डिजिट देखिए सब में 1 है, तो 1 को डिजिट मत याद करिए, क्या लिखोगे 247, यानी 1.2 1.4 1.7, यूनिट क्या है मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है थायमिन। एक इसका है, मेन का है, तीनों के मतलब सेडेंटरी मॉडरेट और हैवी। उसके बाद आता है महिलाओं के लिए, देखिए 014 यानी 1.0 1.1 1.4, तो ये किसका होगा है वोमेन का, प्रेगनेंट लेडी का देखिए प्लस 0.2। अब वही चीज़ यहाँ भी करना जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो मॉडरेट वाला है इसी में आप जोड़ दीजिए 1.1 प्लस 0.2। अब इसमें आप कितना हो जाएगा 2 1 3, उसके बाद 1 यानी 1.3, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 1.3 जो है थायमिन मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह आपका लैक्टेटिंग में भी है 0 से 6 मंथ में 0.3, इसी 1.1 में आप 0.3 जो ऐड करोगे उसी 1.1 में 0.2 ऐड करेंगे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि कितना इनको आवश्यकता प्लस में कितना पड़ेगा, और जो नंबरिंग पूछता है। अब देखते हैं आपका राइबोफ्लोबिन, ये देखिए यहाँ भी है 461, आप 1 को नहीं रखना है, 46 है 1.4 1.6, 1 है यानी 2.1। अब देखिए 137 भी अभी है 1.1 1.3 1.5, यानी जो लास्ट वाली डिजिट है इसको आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब देखिए इसमें प्लस 0.2, अब वहाँ भी आपको 1.3 में 0.3 या 0.4 को जोड़ करके या को याद करना पड़ेगा ये चीज़ें। अब आता है हमारा विटामिन B6, अब B6 में माइक्रोग्राम में है, इसमें कुछ ज़्यादा ही रटना, आपका 2.0 आपका मेन में है, 2.0 वुमेन में है, उसके बाद 2.0 प्रेगनेंट में है, लैक्टेटिंग में 2.5 की, यानी सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग पीरियड में 2.5 की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, विटामिन B6 की। अब ये 3 बच रहे हैं इसमें आपके, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका 40 मेन में, 40 वुमेन में, 60 प्रेगनेंट लेडी में, और 80 जो होता है आपके लैक्टेटिंग मदर के लिए जरूरत पड़ती है 0 से 6 6 to 12। उसी तरह आपका जो आपका फोलेट होता है, डाइट्री फोलेट जो होता है, जिसको आप आयरन का एक तरह से रूप कह सकते हैं आपका, इसमें आपका है 200 500 और 300, यानी 200 मेन 500 वोमेन और 300 जो होता है लैक्टेटिंग मदर, 200 500 और 300। अब आता है लास्ट हमारा विटामिन B12, जिसको माइक्रोग्राम में यूनिट है, इसमें भी आपको नहीं रटना है, 1 माइक्रोग्राम फिर 1 माइक्रोग्राम वोमेन के लिए और प्रेग्नेंट के लिए 1.2 और लैक्टेटिंग के लिए 1.5। तो ये हैं आपके जो मैंने लिया, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किस किस अवस्था में क्या क्या देते हैं, किस किस एज को कितना कितना देते हैं। तभी आपका पार्ट 2 है जिसमें मैंने आपको बताएंगे जो आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनको कितना न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।